यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने कंसीडर किया है, उसको आप इत्मीनान से पढ़ लें। ट्राइंगल, ट्राइंगल की वर्टाइसेस तीन ली गई हैं, शो करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है और वो भी एट ए पर, बाकी जो एंगल्स हैं वो भी बताने हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्राइंगल हमने आपके सामने बनाया, राइट एंगल एट ए लिया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पे, तो हमने ज्योमेट्रिकली वैसे ही बनाया। ए पर हमने 90 डिग्री लिया, वर्टाइसिस को हमने पॉइंट फॉर्म में जैसे दी गई वो ले ली। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, थ्योरम लगानी है, यानी कि हाइपोटेनिस के स्क्वायर का सम बाकी रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो हमें दिमाग में रखना है कि हमें लेंथ निकालनी है, साइड्स की लेंथ निकालनी। तो एक साइड की लेंथ हमने क्या किया, पूरा पूरा कैलकुलेट किया, बाकी हम शॉर्टकट से जा रहे हैं, कैसे बताएंगे वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजिशन वैक्टर्स पॉइंट फॉर्म में लिए गए थे, उनको हमने वैक्टर फॉर्म में लिख लिया। ओ बी फाइनल मतलब ओ बी से ओ ए घटाइए, इतना बेसिक आ चुका होगा। अब इसका मॉडल्स निकाला, तो मॉडल्स कैलकुलेट करना भी जानते होंगे आप लोग, ठीक है, इतना आ गया। अब डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना चाहें, जैसे ये तो पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको अगर डिस्कस करना हो, देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया, तो क्या किया, अब आपको घटाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इससे इसको आप घटा दीजिए या डिफरेंस ले लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, फिर वाई वाले का डिफरेंस ले लीजिए अंतर, उसका स्क्वायर कर लीजिए, और फिर जेड वाले का डिफरेंस ले लीजिए उसका स्क्वायर, अगर डायरेक्टली आपका लेंथ कैलकुलेट होगा। यहाँ पर भी वही काम किया ए सी में, तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के एक्स वाई और जेड में हमने क्या लिया, डिफरेंस मतलब घटाया है, और उसके बाद स्क्वायर करके यहाँ पे आ गए, रेस्पेक्टिव लेंथ आपके सामने है। यहाँ पे बी सी का स्क्वायर 54 बना, 54, ए सी का स्क्वायर 36 बना, और ए बी सी का स्क्वायर 18 बना, 18 और 36 का सम 54 है। आपका राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो गया, ए पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, बाकी एंगल कैसे कंसीडर करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो एक एंगल अभी हम लोग शो कर चुके थे कि 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, बाकी दो एंगल्स में एक एंगल आपके सामने हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा कैलकुलेशन कर चुके थे, साइड्स जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने निकाली थी। अब ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से एक सबसे आसान सा सहज सा तरीका है कोसाइन रूल। आप इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं, बसरते करना क्या होता है, हाँ तो ए के सामने ए और बी के सामने बी और सी के सामने सी निकल मान लेते हैं स्मॉल, तो ये लेंथ है। कोसाइन रूल, कोसाइन फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो रिमाइंड करा देते हैं कि कॉस भी अगर लिखने जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसको लिख रहे हैं उसको उस वाली साइड की लेंथ को घटाना होगा टू ए सी, और सीधे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट दिखाया गया है कि आपको कैलकुलेशन करना है, बी बराबर कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, ऐसे ही दूसरा भी एंगल आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी ट्राइंगल का एंगल निकालना हो आपको, वहाँ पर साइड्स की लेंथ बताओ, तो आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोसाइन रूल लगाइए, जैसा कि यहाँ पे लगाया है। आप कोई भी ट्राइंगल के एंगल्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड मतलब राइट एंगल ट्राइंगल और इक्वल ट्राइंगल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं कि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें नोन होती हैं। अगर वैसे भी ट्राइंगल नहीं है तो कोसाइन रूल से आप कोई भी एंगल ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप ध्यान दें। तो यार एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है आपके सामने, एक्स की वैल्यू निकालनी है और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया गया है, एंगल एक्यूट है, तो बताया गया था कि ए डॉट बी अगर ज़ीरो है से बड़ा है तो थीटा इज एक्यूट, और ए डॉट बी ज़ीरो है तो थीटा इज राइट एंगल, और ए डॉट बी लेस देन ज़ीरो है थीटा इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा, जब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही क्या थीटा को ऑब्ट्यूस बोलते हैं। तो यहाँ एक्यूट बोला गया है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, डॉट निकालेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स थ्री और प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू। आप सपोज जैसे कि यहाँ पे प्लस फोर आ गया तो ये ऑलवेज हो गया, एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए ही पॉजिटिव होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहें, मतलब यहाँ पे फॉर ऑल आंसर आ गया है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, प्लस टू करेंगे तो जीरो से बड़ा होगा। हम बोले कि ये चीज़ हमेशा फॉलो करें कि एक्स की कुछ भी वैल्यू रख दें, थोड़ा सा चेंज करना चाहें, अगर आप चाहें कि थोड़ा चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन को, तो माइनस थ्री माइनस थ्री, अभी देखते हैं, प्लस कर दिया, अब ये वेक्टर फिर से दोबारा ले लिए, अब ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो फिर से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू ग्रेटर देन जीरो। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, रियल लाइन पर जाएंगे, ये आएगा माइनस रूट टू और ये आएगा रूट टू, माइनस रूट टू ए रूट टू प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन आप जानते होंगे कैसे लिए जाते हैं इनक्वालिटीज़ के लिए, ग्रेटर दे चाहिए तो पॉजिटिव पार्ट चाहिए, तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी माइनस रूट टू यूनियन, इतना नहीं लेना है, फिर यहाँ से रूट टू कामा इन्फिनिटी। एक आपको क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि आप इससे हेल्प से ऐसे क्वेश्चन लगा पाए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है पूरा, एक्यूट ऑप्टिव से राइट एंगल, तो इस क्वेश्चन को आप एक कॉन्सेप्ट बना लें और पूरा सीखने का प्रयास करें। तो एक क्वेश्चन और हमने कंसीडर किया है, इम्पॉर्टेंट है, अब उसको ध्यान दें, यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी यूनिट है, तो यूनिट का मतलब होता है मॉड, उनके तीनों के क्या दिए गए वन दिए गए। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे कि वेक्टर का सम अगर ज़ीरो वेक्टर है तो उनके मॉडुलस का सम भी क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा, और फिर उनका स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू डॉट ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है वन वन वन, तो जब जो रिक्वायर्ड वेक्टर ये है उसको एक तरफ रख लेंगे ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए। अब यहाँ ध्यान देंगे तीनों का ऐड होगा थ्री, थ्री इधर जाएगा तो माइनस थ्री डिवाइड बाई टू होगा, तो आपको बस सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को, यूनिट वेक्टर की इन्फॉर्मेशन रखनी है, ठीक है, ये आपके सामने है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा सा ब्रॉड अपने आप को थोड़ा समझने का प्रयास करें। वेक्टर ए एंड वेक्टर वी दिए गए हैं, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, देखिए ऐसा है कि कोई वेक्टर आर दिया गया है, तो वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर तो एक्स वाई जेड। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट अगर पूछा जाए तो एक्स आई वाई जे और जेड के, मतलब विद डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग जेड के अलॉन्ग विद डायरेक्शन, तो ये वेक्टर कंपोनेंट है, इन तीनों को सम करके वेक्टर आर बना हुआ है, कंपोनेंट मतलब वो पार्ट्स जिन पार्ट से वो बना हुआ है। अब यहाँ पे ये स्केलर कंपोनेंट है एक्स की दिशा में वाई की दिशा में जेड की दिशा में, ऐसे यहाँ पर भी क्या है कि वेक्टर ए का वेक्टर वी के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर, तो देखो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट है वेक्टर अल्फा और वेक्टर बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये सम से वेक्टर ए बना है, जिसमें अल्फा जो है जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, एक्स वाई जेड की हेल्प से आर बना है, मगर एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड जेड एक्स, अब एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये बात समझे कि कंपोनेंट है आर के, मगर ये कंपोनेंट क्या है किसी के अलॉन्ग भी है किसी के परपेंडिकुलर भी है, एक्स जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वाई जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बात को समझें कि इसके अल्फा और बीटा कंपोनेंट हैं, मतलब इनसे मिलकर ये बना हुआ है, बट अल्फा इसके अलॉन्ग दिया गया और बीटा इसके परपेंडिकुलर, फिगर को जब समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये शो कराया गया है। अब एक बात हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की, ये बात का देखा जाए तो उससे रिलेशन नहीं है, मगर ये बात एक्सप्लेन क्यों गई इसको समझने का प्रयास करें। वेक्टर ए यहाँ पे है वेक्टर बी यहाँ पे है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, तो इसकी छाया केवल ओ ए पड़ रही है, तो ओ ए की लेंथ वही प्रोजेक्शन है, जैसा कि बताया गया कि प्रोजेक्शन जब भी निकालना हो जो जिस पर निकालना हो उसका मॉड लेंगे और दोनों का डॉट लेंगे, ठीक है, ये अब ये जो प्रोजेक्शन इसी का को बोलते हैं लेंथ ऑफ ओ ए,
OA की लेंथ ही है ये प्रोजेक्शन। अब डायरेक्शन आप OA निकालनी हो, डायरेक्शन आप OA, OA किसकी दिशा में है, B की दिशा में, और B की दिशा क्या है, डायरेक्शन ऑफ B क्या होगा, B वेक्टर अपॉन मॉड B। भाई B में जो मैग्नीट्यूड होगा वो हटाना पड़ेगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर समान दिशा है सबकी। अब इसकी लेंथ 2 यूनिट है, इसकी 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो अब यूनिट लेंथ तो हटानी पड़ेगी, डायरेक्शन सेम है, तो इसमें अगर इसकी इससे डायरेक्शन निकालनी तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, इससे निकालनी तो 4 का, और इससे निकालनी तो 5 का। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो बी का मॉड हटाना पड़ेगा। अब बी की दिशा माने बी कैप और ए कैप, ये दोनों किस दिशा में, ए की दिशा में समान, तो बी की दिशा मिल गई, मतलब ओए की दिशा मिल गई। ओए वेक्टर निकालने के लिए ओए का मॉड और ओए की डायरेक्शन, तो ओए का मॉड क्या आ चुका है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, डायरेक्शन क्या आ चुकी है, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, तो ओए वेक्टर मिल गया, मतलब कंपोनेंट दैट इज अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा यही है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। एक बार हम आंसर टैली करा देते हैं, ए डॉट बी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना 18 आएगा, डॉट किया गया 18, इसका मॉड लेना है तो 5 आएगा। वेक्टर बी क्या है, 3j प्लस 4k अपॉन कितना 5, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर टैली करने के लिए, इसको यहाँ रखेंगे तो बीटा आ जाएगा, ठीक है।